हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग, और करीब लग रहा है 7 बजने वाला है। तो अभी हम बैठे थे तो सोचे कि कुछ आप लोगों को दिखा दे और शेयर कर दे। तो हम पूजा के बबिया को मिला था कुछ गिफ्ट, जो कि पूजा ले नहीं गई है, यहीं छोड़ दी है। और हमको बोली थी कि लेने देने का काम में आएगा, आपको लेना देना होगा। इसलिए तो बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा लालची है तो ये है तो वह मायके में सब कर रही थी। तो इस बार वो सब टोटल अपना खर्च किया, हम लोग नहीं कुछ किए हैं उसमें बबिया में, लेकिन हमारा शौक था कि हम करें, तो फिर भी नहीं मानी तो हम लोग छोड़ दिए कि खैर कोई बात नहीं है, वो भी माँ है तो लोग सोच रहा होगा कि हम अपने से करेंगे। तो अच्छी बात है ना कि आप दोनों जन कमा रहा लो, पूजा भी और प्रदीप बाबू भी। और आज एक रील हम देखे हैं गाइस, तो स्टेशन पर एक आदमी कचड़ा में से बीन के खाने वाला था, तो जाके प्रदीप बाबू खाना और पैसा दिया। हमको बहुत अच्छा लगा, टच गुड, एकदम बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी बेसहारा आदमी हो, अगर खाना पीने का दिक्कत हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको मदद करना चाहिए, देना लेना चाहिए। जिसका पेट भरा रहता है उसको नहीं खिलाओ, जिसका नहीं भरा रहा है उसका ज़रूर खिलाना चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से भी कि अगर रास्ते में कोई ऐसा आदमी दिखता है, चाहे कि कोई किसी को ज़रूरत है, तो उसको मदद करना चाहिए। हम भी कहीं जाते हैं अगर देखते हैं इस तरह का लोग तो दे देते हैं, चाहे साड़ी कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, कोई कोई आता है मांगने तो हम दे देते हैं। सोचते हैं कि उनका यूज का चीज़ें हमारे लिए नहीं है। मान लीजिए कि हम जो चीज़ हम से ज़्यादा है तो किसी किसी को दे देना चाहिए, मदद करना चाहिए, इससे भगवान देख रहे हैं, करना चाहिए। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं वीडियो को आगे और दिखाते हैं कि पूजा कौन सा सामान, कुछ ज्वेलरी है वो छोड़ के गई है मेरे पास, तो भी आप लोग को दिखा देते हैं ब्लॉग में, बने रहिए आप लोग। चलिए हे गाइस, तो दोनों तरफ दोनों बहुरानी लोग कपड़ा सजाने में लगी हैं। इधर ये पैकिंग चल रहा है, जा रही है पैकिंग चल रहा है सब लोग का। ये गोवा वाला कपड़ा कहाँ से पहन लिया गया था तो उधर खरीदा था का, कॉटन है, अच्छा कपड़ा है, पॉकेट है, बचपन में ना बहुत बचपन में तुम ऐसा कपड़ा हम पहना है। गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के ठंडे ठंडे पानी पियेंगे, दोनों फोटो खींच के ले जाओ मनीषा को। चलो भाई कपड़ा जल्दी जल्दी देने के लिए बाबा दे दे करे बाबा। यहाँ पे ये लोग पंकज चाय चल रहा है, रंजना मना के मस्त लगे मुझे, लाओ भाई चाय पी लो। अभी तो आप चाय एक जन के हाथ के पियेंगे ना तो सबका हाथ का स्वाद भूल जाएंगे। वो बताइए किसका, किसका अनुष्का जो चाय पिला देगी ना, कहीं आप दुनिया में पिए होंगे। अरे वाह अनुष्का, अनुष्का के हाथ के चाय जो एक बार पी लेगा, देखेगा उस रूम में भी पैकिंग चल रहा है, इस रूम में भी पैकिंग चल रहा है, जिंदगी यही हो गई है, पैक अनपैक पैक। इन लोग का जिंदगी झंड हो गया है ना। अनुष्का यही बात पर तुम चाय बना दो, तुम्हारे हाथ के चाय पीने का मन कर रहा है। गाइस इतना अच्छा ये चाय बनाती है ना, जो हमको अच्छा से चाय पिला देता है ना उसका नाम हमेशा लेते हैं। ये हम घर पे भी जाते थे तो चाय बना के पिलाती थी, जानते हैं इतना अच्छा ही चाय बनाती है ना। हाथ काट लिए जाएंगे, हाथ काट लिए जाएंगे सारी जी, वो तैयार हो गया सचिन। बस हम लोग हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, राशिद जो है सब सामान गाड़ी में रखवा रहा हूँ गाइस, जल्दी से भागने का प्लान में है। खाया है राशिद? हाँ खाया, सब लोग जा रहे हैं, मनीषा भी जा रही है। मनीषा आप रुके आप है, मेरा कपड़ा बाबू मंगा दो थोड़ा। सचिन का बरस वगैरह दे रही है, लग रहा है कि हम नहीं जा रहे हैं। हमको लगा जा रही है आप तो नीचे, और आप भी नहीं ना
ना हम नहीं जा रहे हैं, हमको हरासमेंट पता ना पता अथी हो जा रहा है, घर साफ करना है अभी, इसीलिए नहीं जा रहा। अब मैं ना कि तो यहाँ पे पूजा जो उस दिन जाना था उसको बेंगलोर, तो बनिया का कुछ कुछ मिला था ज्वेलरी, तो और ले गई और यहाँ पे रख दी है। छूट गया, छूट नहीं गया, वो रख के ही गई है। और अनबॉक्सिंग जो हुआ था उस समय इतना तेज़ी में हुआ था कि हमको पता नहीं था कि कौन क्या दिया है कौन नहीं दिया है, तो वो का किया कि रख दिया और बोली कि मम्मी अब देख लीजिएगा बाद में। तो यहाँ पे हम ले कर बैठे हैं एक प्यारा सा ये डब्बा, और इसमें यहाँ पे है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक प्यारा सा लॉकेट है, यहाँ देखिए कितना सुंदर है दिख रहा है। और ये दुर्गा माँ का लॉकेट है, तो ये दिए हैं हमारे प्रभात चंद्रा सर जो अध्यक्ष हैं हमारे यूनियन का, वो बहुत अच्छा लगा ये देख के। और थैंक यू सर, आपको आप बहुत प्यारा गिफ्ट मेरी नतनी को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो और हमको यहाँ पे कुछ कुछ है जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे है रामा जी प्रसाद उसरी हसनपुरा, जो मेरी दीदी है उनकी देवत का घर से है, जो कि जिनके एंगेजमेंट में हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे है छोटू सा पायल जो बनिया के लिए, देखिए छोटा सा पायल है, और ये भी बहुत सुंदर डिजाइन है इसका, घुंघरू है, चलेगी तो बजेगा छुम छुम, तो बाद में इसको उसको ज़रूरत होगा तो बाद में ले जाएगी, देंगे जो सामान उसका बचेगा वो हम रख देंगे अच्छे से, फिर कभी आएगी बनिया तो देना होगा तो उसको दिया जाएगा। और यहाँ पे एक है जो आप लोग को दिखा रहे हैं पायल, तो पता नहीं ये कौन पायल दिया है, वो उसका इसमें स्लिप नहीं है, हमको पता नहीं चला है। तो यहाँ पर ये पायल है बनिया का, ये भी पायल है जो रख देंगे अगर उसको अच्छा लगेगा तो। यहाँ देखिए इसका कुछ डिजाइन इस तरीका का है, ऐसा कुछ डिजाइन है, ये घुंघरू वाला क्यों पहनाया जाता है, लक्ष्मी जी को आगमन के लिए जो पाँव में पायल बसता है ना, तो लक्ष्मी जी आती हैं घर में छुम छुम बसता है, तो इसीलिए पायल को घुंघरू रखा जाता है और पहनना चाहिए, अच्छा होता है घुंघरू वाला पायल। तो आजकल अब थोड़ा सा ही हो गया है तो बजने वाले से लोग नहीं पहनता है कि नहीं कोई बात नहीं है। तो यहाँ अब लेकर चलते हैं दूसरा का गिफ्ट, तीसर तीन हो गया चार। यहाँ पर कुछ ऐसा डेरा है जो ये चैनपुर वाली दीदी मेरी दी है, यहाँ पे है हाथ का कड़ा है, चैनपुर वाली दीदी दी है मेरी बहन, तो थैंक यू दीदी। और भी है बहुत सारा, लेकिन इसको कल आप लोग दूसरा ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए कि और क्या क्या है, बहुत सारा है अभी तो कल दिखाएंगे। तब तक रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार, बाय।